थाना फ्रेंडस कॉलोनी पर वादी राम मनोहर पुत्र शिव सिंह निवासी अड्डा अजुद्दी थाना इकदल जनपद इटावा के द्वारा सूचना दी गई कि वादी के साथ भरतना रेलवे क्रॉसिंग पुल के ऊपर पल्सर मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैग छीन लिया गया है। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा वादी से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह फिनो बैंक में कार्य करता है तथा ई कार्ड से कैश ले जाने का काम करता है तथा आज जब वह अपनी कंपनी से निकलकर ओवरब्रिज पर पहुंचा तो अचानक पीछे से आ रही पल्सर मोटरसाइकिल द्वारा उसका बैग छीन लिया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा घटना के शीघ्र खुलासे हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्य एकत्रित किए गए एवं ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद में लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। जांच उपरांत यह संज्ञान में आया कि वादी राम मनोहर पुत्र शिव सिंह ई कार्ट कंपनी से 2,29,000 लेकर बैंक जमा करने जा रहा था एवं उसने बैंक में न जाकर पुलिस को झूठी लूट की सूचना दे दी, जिसके आधार पर थाना फ्रेंडस कॉलोनी पर 00/02/2024 धारा 316(2) BNS पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह सब मैंने इसलिए किया कि मैं ट्रेडिंग पर पैसा लगाता हूँ और मैं पैसे को हार गया था, इसी कारण से मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, मुझे उधारी चुकानी थी, तभी मैंने योजना बनाकर षड्यंत्र के तहत पुलिस को यह सूचना दी थी। द्वारा एक निश्चित तौर से 3 घंटे के अंदर एक सफलता प्राप्त की गई है। इसमें निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही कम समय में अतिशीघ्र सफलता प्राप्त की गई है और कैमरे का बहुत योगदान रहा है इसमें और हमारी टीम एसपी सिटी के नेतृत्व में, सीओ सिटी के नेतृत्व में काफी इसमें हमारी टीम लगी हुई थी फ्रेंड्स कॉलोनी की। उसने बहुत तेज़ रिस्पांस करके कैमरा एक एक कैमरा के फुटेज देख करके इसमें रिस्पांस किया और बहुत जल्दी रिस्पांस करने का ये परिणाम रहा कि इसमें एक सुखद परिणाम मिला कि पूरी घटना का पर्दाफाश हो गया। आज सुबह लगभग 11:30 बजे थाने को सूचना मिलती है कि एक राम मनोहर सिंह नाम का व्यक्ति जो कि अजुदी का रहने वाला है, अड्डा अजुदी एक दिन पड़ता है, वो ई कार्ट कंपनी में जो है काम करता है और फिनो कंपनी का कैशियर है, वो पैसा लेकर के जो है 2,29,000 रुपये जा रहा था अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से और जो फ्लाईओवर पड़ता है आपका जो है क्या कहते हैं भरतना क्रॉसिंग के ऊपर, उसके ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर उसके साथ 2 पल्सर सवार लड़कों ने उसे पीछे से आकर के छीन लिया उसका बैग और भाग गए पैसा लेकर के 2,29,000। तो इसमें पुलिस की टीम जो थी तत्काल सक्रिय हुई, सारे अधिकारी इसमें सक्रिय हुई, मौके पर पहुंचे, मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और तमाम पूछताछ से जब एक व्यक्ति और कैमरे देखे गए तो उसमें ये प्रतीत हुआ कि इस व्यक्ति के आगे पीछे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, जिसके आधार पर दोबारा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की कि इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, उसके आधार पर 299/24/406 IPC जो पहले होता था, 316(2) BNS और 317(3) BNS का अभियोग दर्ज किया गया है तथा पूरा पैसा आपने देखा होगा 2,29,000 बैग और व्यक्ति ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके पीछे क्या वजह बताई गई है, क्यों इसने ये प्रकथा लिखी? ये इसने स्वीकार किया है अपने पूछताछ में, जब इसने स्वीकार किया, कन्फेशन किया है इसने कि 4.5 लाख ये ट्रेडिंग के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलता है और 4.5 लाख का इसके ऊपर कर्ज हो गया है। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा नौजवान लड़कों को कि कम से कम इस तरह के किसी प्रकार के ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं, अनावश्यक कर्ज हो जाता है और उसमें लग करके कुछ तरह के इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं करते हैं जिससे कि निश्चित तौर से अपना भी नुकसान करते हैं, परिवार का भी नुकसान करते हैं, तो इस तरह का गेम ना खेलें। साथ ही साथ इसमें बता दूं कि इसी कर्ज की वजह से 4.5 लाख जो कर्ज था, उसने बताया कि जनवरी से मैं इसको प्लान कर रहा था, आज उस प्लान में जबकि देखा कि संडे के बाद मंडे के दिन ये थोड़ा पैसा ज़्यादा है, 2.5 लाख के आसपास है, तो मैं इस पैसे का को अमानत में खयानत करके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके इसको गबन करने का और लूट की झूठी सूचना देने का मैंने प्लान किया था।